चतुर्थी 2024 की सही तारीख। आषाढ़ विनायक चतुर्थी कब है और तारीख शुभ मुहूर्त और चंद्र दर्शन करने का सही समय। तो वेलकम टू माय चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर। तो आज हम बताने जा रहे हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। आषाढ़ विनायक चतुर्थी को बेहद कल्याणकारी माना जाता है और यह दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं और धार्मिक मान्यता की है कि इस दिन किसी को भी चंद्र दर्शन करने से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनायक गणेश चतुर्थी का सबसे ज़्यादा खास महत्व होता है। चंद्र दर्शन करने वाले व्यक्ति पर झूठा कलंक या चोरी का आरोप लगाया जाता है। तो आषाढ़ की विनायक चतुर्थी 9 जुलाई को है। विनायक चतुर्थी का व्रत जो लोग रखकर गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती। इस विशेष दिन पर भगवान गणेश और भगवान शिव की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को कई प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आषाढ़ विनायक चतुर्थी तिथि कब है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई 2024 को दिन मंगलवार को सुबह 6:08 से शुरू होगी और इस तिथि की समाप्ति 10 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 7:51 पर होगी। पूजा मुहूर्त के आधार पर विनायक चतुर्थी व्रत 9 जुलाई को रखा जाएगा। जो लोग 9 जुलाई को विनायक चतुर्थी का व्रत रखेंगे वे गणेश जी की पूजा दिन में 11:03 से शुरू कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त 11:03 से दोपहर 1:50 तक है। आषाढ़ मास के विनायक चतुर्थी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। तो इस दिन रवि योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे। विनायक चतुर्थी के दिन सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि योग 9 जुलाई को सुबह 5:30 से लेकर 7:52 तक रहेगा। इसके बाद 9 जुलाई को सुबह 6:08 से सिद्धि योग का आरंभ होगा, जिसका समापन अगले दिन 10 जुलाई को होगा। सिद्धि योग के बाद रवि योग का निर्माण होगा, जिसका आरंभ 9 जुलाई को सुबह 7:52 पर होगा। समापन अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 5:31 पर होगा। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र सुबह 7:52 तक है। इसके बाद से मघा नक्षत्र शुरू होगा। अब विनायक चतुर्थी को शाम को भी भद्रा लग सकती है। तो शाम के समय में भद्रा है, तो इस समय भद्रा का समय पृथ्वी लोक में है। तो भद्रा का समय शाम 6:56 से अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 5:31 पर रहेगी। अब पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर में एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर चौकी पर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें और गणपति बाप्पा का रूली से तिलक करें। इसके बाद उन्हें चावल, दूर्वा, फल, फूल, पंचामृत अर्पित करें। भगवान गणेश को लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इस दौरान ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप 7 बार करें। अंत में बप्पा की आरती करें और घर वालों के साथ प्रसाद वितरण करें। इसके साथ ही हम सुनेंगे आज विनायक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी का बहुत महत्व होता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व होता है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में खुशहाली बनी रहती। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 6:08 से शुरू हो जाती है और 10 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 7:51 पर होगा। ऐसे में पूजा मुहूर्त के आधार पर विनायक चतुर्थी व्रत 9 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूरे विधान से पूजा की जाती है और गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं। भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमल गट्टे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए और व्रत में 108 बार इस मंत्र का जाप करने से इससे लोगों की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्यशु सर्वदा मंत्र। पूजा के समय सुनी जाने वाली कथा
कि राजा हरिश्चंद्र के समय की बात है। उनके राज्य में एक कुम्हार का परिवार रहता था। वे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का पारंपरिक व्यवसाय करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को हवा में पकाने के लिए रखता था, लेकिन वे सभी सही से पकते नहीं थे। जो भी बर्तनों को ले जाता तो वो कच्चे रहने के कारण टूट जाते थे। ग्राहक इसकी शिकायत कुम्हार से करने लगे। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या कम होने लगी, इससे उसकी आमदनी भी कम हो गई और कुम्हार इस बात से परेशान हो गया। एक दिन वह एक मंदिर के पुजारी के पास अपनी समस्या लेकर गया। उसने सारी बातें उस पुजारी को बताई। पूरी बातें सुनने के बाद पुजारी ने उसे सलाह दी कि उस आवा में मिट्टी के बर्तनों के साथ एक छोटे बालक को भी डाल दो। अगली बार जब कुम्हार बर्तन पकाने के लिए आवा में रखा तो उसने एक बालक को भी उसमें डाल दिया। उस दिन चतुर्थी व्रत था। दूसरी ओर उस बालक की मां ने उससे खो गई थी। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी की प्रार्थना की और कहा कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी ने पुत्र की रक्षा कीजिए। तो रात व्यतीत हो गई तो कुम्हार सुबह बर्तन को देखने आवा के पास आया। वह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि बर्तन तो अच्छे से पक गए हैं और वह बालक भी जीवित बच गया है। इस घटना से वह कुम्हार बहुत डर गया और वह राजा के दरबार में जाकर इस घटना के बारे में जानकारी दी। यह सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बालक के माता पिता को राज दरबार में बुलाया और उस बालक को सकुशल उनको सौंप दिया। और उस दिन बालक की माता ने बताया कि उसने चतुर्थी व्रत रखा था और गणेश जी ने से बालक की कुशलता की प्रार्थना की। उनके ही आशीर्वाद से उनका बेटा सकुशल लौट आया और उस पर आया संकट टल गया। अब काफ़ी महिलाएं विनायक चतुर्थी का व्रत रखती हैं, लेकिन व्रत के दौरान की जाने वाली गलतियों को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो इस दिन आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन निर्जला उपवास के साथ फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों और जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्रत के दौरान नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। काफ़ी लोग नमक सेंधा नमक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंधा नमक का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्रत का सही फल जब ही मिलता है कि जब हम उसको सही तरीके से और सही विधान से किया जाता है। काफ़ी लोग रहते हैं जो सेंधा नमक खा लेते हैं, लेकिन सेंधा नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सही नहीं माना जाता है। गणेश चतुर्थी जैसे विनायक चतुर्थी के व्रत में मीठा खाना चाहिए, जैसे साबुदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। अगर आप उपवास रखते हैं तो उपवास में खाने वाली चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें नमक का सेवन नहीं करें। मीठा भोजन बना सकते हैं, भोजन ना करके एक समय फलाहार करना चाहिए। इस दिन दही का सेवन किया जा सकता है, साथ ही रसे वाले फल खाने चाहिए और बॉडी में पानी का स्तर भी बना रहेगा। आप काफ़ी लोग उबले हुए आलू में व्रत वाला सेंधा नमक डालकर खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मीठा भोजन करना चाहिए। कुट्टू का पराठा या रोटी बना सकते हैं आप। अगर आपको भूख के चक्कर में यदि ज़्यादा खा लेंगे तो पेट भी खराब हो जाएगा, इसलिए चाय का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत के दिन खीरा भी खा सकते हैं, बादाम वाला दूध भी पी सकते हैं, सिंगाड़े के आटे से बना हुआ हलवा भी खा सकते हैं। अब क्या नहीं खाना चाहिए, देखिए चतुर्थी तिथि को काफ़ी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए व्रत के दौरान, तो बिल्कुल नहीं। जैसे प्याज मूली चुकंदर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के व्रत के दिन व्रत वाला नमक सादा नमक या काला नमक किसी भी तरह नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कटहल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे भगवान गणेश क्रोधित होते हैं। इस दिन पूड़ी चिप्स पापड़ मूँगफली और पकौड़े बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और इस दिन तुलसी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नहीं मदिरा का सेवन करना चाहिए। इस दिन बनाने वाले व्रत के खाने में मसाले का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप मसाले डालकर खाएंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। किसी भी तरह का झूठा नहीं खाना चाहिए। नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये थी आज की विनायक चतुर्थी व्रत की संपूर्ण जानकारी। व्रत का शुभ मुहूर्त, विनायक चतुर्थी कब है, विनायक चतुर्थी की व्रत कथा, व्रत के दौरान आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। साथ ही इसके साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि आज विनायक चतुर्थी का चांद कितने बजे निकलेगा। तो आज विनायक चतुर्थी है, काफ़ी लोग व्रत उपवास सकते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि आज का जो चांद है वो कितने बजे निकलेगा।
तो आज भारत में चांद निकलने का समय है, 9:42 पर निकलेगा, लेकिन काफ़ी जगहों पर जैसे राजस्थान में 9:52 पर, पंजाब में 9:44 पर, हरियाणा में 9:43 पर, उत्तर प्रदेश में 9:31, बिहार में 9:17, मध्य प्रदेश में चांद 9:54, छत्तीसगढ़ में 8:41, हिमाचल में 9:36, झारखंड में 9:21, गुजरात में 10:14 और दिल्ली में 9:42 पर चांद निकलेगा। सभी में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, आधा एक घंटे का, बाकी आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।